myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3rd. So students, today's our topic is Bahadur Bitto, which is very interesting story from chapter number 5, and our book name is Rimjhim. So students, today we will solve some question answer of pages 38 to 41. Now this is your course book Rimjhim 3, and these are some questions. Today we will solve them. Okay. Now please pay attention towards the blackboard. Question number 1. शेर किसान से क्या लेने गया था? सोचिए, किसान क्या कर रहा था? अपने खेतों में काम कर रहा था. अचानक से वहां पर शेर आ गया और शेर जो है वो किसान के बैल जो थे वो उनको लेना चाहता था. बैलों का क्या करता? उन्हें मारकर अपना पेट भर लेता. तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, शेर किसान से उसके बैल लेने गया था. नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, शेर ने बितो को राक्षसी क्यों समझ लिया? क्योंकि बितो जिस प्रकार का वेश धारण कर खेत पर गई थी, उसे देखकर जो शेर को लगा कि ये कोई राक्षसी है ना, क्योंकि उसने क्या कर रखा था, पगड़ बांध रखा था, है ना, और हाथ में उसके दराती थी, और साथ ही साथ उसने कहा कि यह कमजोर सा शेर, इससे तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है. किसान से कहा, तुमने तो कहा था यहाँ पर 4 शेर है, केवल मुझे यहाँ 1 ही दिखाई दे रहा है. तो जब उसने ऐसा कहा तो शेर उसकी बातों को और उसके वेश को देखकर ही डर गया और वहां से भाग गया. तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे बच्चों? बितो जब घोड़े पर सवार होकर हाथ में दराती लेकर शेर के सामने पहुंची और उससे कहा, आज केवल 1 ही यह मरियल शेर मेरे खाने के लिए है. तो शेर डर गया, उसे लगा ये राक्षसनी रोज 4-4 शेरों को मार कर खाती है, इसीलिए शेर डर कर वहां से भाग गया. नेक्स्ट प्रश्न, बैल की जान कैसे बच गई बच्चों, बताओ? क्योंकि बितो क्या थी? बहुत ही चतुर औरत थी. अपनी चतुराई से, बुद्धि से उसने बैलों की जान बचा ली, क्योंकि उसने अपना वेश ऐसा बनाया और बाकी भी ऐसी करी, शेर को लगा कि ये तो बहुत ही बहादुर राक्षसनी है, ये तो मुझ जैसे 4-4 शेरों को एक समय में मारकर खा जाती है. जब ऐसी बातें सुनी तो शेर वहां से डरकर भाग गया और बैलों की जान भी बच गई. नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए. लिंग शब्द होते क्या है बच्चों? जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन शब्दों को हम लिंग कहते हैं. जैसे औरत, औरत का क्या होगा बच्चों? आदमी. घोड़ा, घोड़े का क्या होगा? घोड़ी. इसी प्रकार से शेर का शेरनी, बच्चा का बच्ची, मछुआरा का मछुआरी, राजा का रानी. इस तरह से हम इनके लिंगों को परिवर्तित करेंगे. अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपसे तुम्हारी जबानी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं. कहानी में से लेकर कुछ वाक्य दिए गए, इन वाक्यों के आधार पर अपनी भाषा में आपको कहानी लिखनी है. जो कहानी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सुनाई थी उसी कहानी को अपने शब्दों में शॉर्ट में यहाँ पर लिखना है, इन वाक्यों का प्रयोग करते हुए. बितो घोड़े पर सवार हो गई, तो बितो की सारी बात बता देना, किस तरह घोड़े पर सवार हुई, हाथ में उसके क्या था और उसने शेर के सामने जाकर क्या कहा. तुम घर की गाय शेर के हवाले कर रहे हो, ऐसा बितो ने कहा था, कब कहा था, वो सब आपको यहाँ लिखना है. आज एक राक्षसी से पाला पड़ा, यह बात शेर ने किससे कही, सारा वृतांत यहाँ पे लिखना है. अगर बैल
आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। यह भेड़िया ने क्यों कहा था? शेर को देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान तो डर गया था, पर उसकी बहादुर पत्नी नहीं डरी थी। इस तरीके से यहाँ पर कहानी लिखनी है। बच्चों, कुछ प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कहानी में से ऐसे ही ज के नीचे बिंदी लगी हुई होती है, ऐसे शब्दों को नुक्ते वाले शब्द बोलते हैं। इनको यहाँ ढूंढ ढूंढ कर आपको लिखना है। जैसे शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज, राज में ज के नीचे बिंदी है तो राज शब्द यहाँ आ जाएगा। फर, फर में फ के नीचे बिंदी है तो ये शब्द यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही शब्द जैसे औजारों, उसमें भी ज पे बिंदी लगी हुई है, तो आपको कहानी में से ढूंढ ढूंढ कर यहाँ लिखने हैं। और ज पर बिंदी वाले कुछ नए शब्द कहानी के अलावा लिखने, जैसे तेज, तेज में भी नीचे बिंदी लगेगी। फौजी, इसी प्रकार से सब्जी, औजारों, इस ढूंढना, इन शब्द में नीचे बिंदी लगेगी। बिंदी वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज नंबर 41, यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन बॉक्सेस में ऊपर इनके नाम दिए हुए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखो, पहचानो इन्हें क्या कहा जाता है, उस नाम को यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला चित्र किस चीज का है बच्चों? हथौड़ी का, तो यहाँ पे हथौड़ी लिखना है। दूसरा चित्र दिख रहा है पेचकस, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों? पेचकस। इसी तरीके से तीसरा चित्र किसका है? करनी, जिससे मकान बनाया जाता है। और चौथा है खुरपी, खेतों में काम आती है। और पांचवा चित्र है आरी, जिससे लकड़ी काटी जाती है। बच्चों, इसके अलावा कुछ प्रश्न सॉल्व कराती हूँ मैं। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? जी नहीं, शेर बिल्कुल भी भोला नहीं था। शेर को भोले महाराज भेड़िए ने इसलिए कहा क्योंकि भेड़िया शेर को अपने जाल में फंसाना चाहता था। उसको ये कहना चाहता था कि यदि हम एक बार और कोशिश करें तो हमारे हाथों में फिर से बैल आ सकते हैं। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी? ऐसा बच्चों इसीलिए किया था ताकि लोगों को वो डरा सके और लोगों को समझ में ना आए कि ये किस प्रकार के जानवर है। दोनों अपनी ताकत से किसान और किसान की बीवी को डराना चाहते थे। क्या शेर फिर कभी भित्तों के खेत की तरफ गया होगा? जी नहीं, जिसकी बीवी इतनी बहादुर हो, जिसने शेर का और भेड़िए का सामना अपनी चतुराई से किया, तो फिर शेर कभी भी हमारे अनुसार वहां नहीं गया होगा। भित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? भित्तों की हिम्मत बहुत अच्छी लगी। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि ताकत से बड़ी बुद्धि होती है। तो बच्चों, आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। मुझे आशा है कि इस कहानी से जुड़े हुए सभी प्रश्न आज आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।